बदन में दर्द और डिप्रेशन, ये दोनों हाथ में हाथ डालकर चलते रहते हैं। बहुत सारे डिप्रेस पेशेंट को बॉडीली सिम्टम्स और बदन दर्द होते रहता है, और बहुत सारे बदन दर्द वालों को डिप्रेशन होता है। तो 15 से 100%, 15-100% लोग ऐसे हैं कि जिनको पेन है, मतलब दर्द है, और वो उनका उनकी मेन बीमारी डिप्रेशन है और उनको दर्द है, मतलब डिप्रेशन की वजह से दर्द हो रहा है। ऐसे 15 से 100% मिलेंगे आप। मतलब आप कोई डिप्रेशन के पेशेंट को पूछते हैं तो उनको आपको दर्द है, बोलते हाँ दर्द है, उनको पीठ में दर्द होगा, हाथ पैर में दर्द होगा, सर दर्द होगा, माइग्रेन होगा, डिप्रेस लोगों को। 5 से 85% जो दर्द वाले पेशेंट है, क्रॉनिक पेन सिंड्रोम, तो उनको डिप्रेशन रहता है। मतलब 2017 की स्टडी है, तो उसमें ये स्टडी में ऐसा पाया गया है कि जिनको जिनको क्रॉनिक पेन था, कोई भी कारण से बदन में दर्द है, कोई भी कारण से, बिकॉज ऑफ कोई भी फिजिकल प्रॉब्लम है या इलनेस है, तो जिनको दर्द था उनको डिप्रेशन पाया गया। इतना दर्द और डिप्रेशन का रिलेशनशिप है। तो इसमें 60 से 60, मतलब कॉमनली 60-65% जो लोग हैं जिनको डिप्रेशन है, उनको कुछ ना कुछ बॉडीली सिम्टम रहते हैं। मतलब एक तो दर्द रहेगा, पीठ दर्द है, कमर दर्द है, सर दर्द है, बॉडी में दर्द है, या फिर बॉडीली सिम्टम्स में पेट ठीक नहीं है, भूख नहीं लगती है, भूख कभी कभी ज़्यादा लगती है, डकार आती है, एसिडिटी होती है, सेक्स में प्रॉब्लम है। फिर उनको क्या होता है कि डिप्रेशन में एक तो कॉर्टिसोल जो हार्मोन है और एड्रेनालिन हार्मोन जो है, उनकी मात्रा बढ़ जाती है, और जैसे ही ये जो कॉर्टिसोल एड्रेनालिन की मात्रा बढ़ जाती है तो उसका बुरा असर पूरे बॉडी के ऊपर होता है, और उसके वजह से फिर प्रतिरोध शक्ति जो, इम्यून सिस्टम जो है, वो काम नहीं करती। और जब इम्यून सिस्टम काम नहीं करती है तो फिर बीमारियाँ होती है अलग अलग। तो देखिए ना, डिप्रेशन जिनको जिनको है, जल्दी जल्दी बीमारियाँ हो जाती है बाकी। और बॉडी सिम्टम तो सभी को है, समझ के चलो, अलग अलग बॉडीली सिम्टम 60-65% लोगों को है, शारीरिक लक्षण। और दर्द तो करीब करीब सभी को होता है। अब ये डिप्रेशन जो है, वो अभी मेरे पास में जो पेशेंट्स आते हैं तो कैसे काफ़ी टिपिकल बॉडीली सिम्टम रहते हैं। एक तो है कि भाई मैं सोकर रहता हूँ, फिर कुछ काम करने की इच्छा नहीं होती है, बहुत स्लो हो गया हूँ, मतलब चलना उठना बैठना बहुत ही स्लो है। फिर खुदकुशी करने के विचार आते हैं, उत्साह नहीं है। फिर कभी किनको ऐसा लगता है कि भाई मैं जब सोचता हूँ ना तो बहुत ज़्यादा दर्द होता है, इसलिए लोग आते हैं कि मैं सोचता हूँ बहुत दर्द हो रहा है पूरे सिर में, या पैर में गुदगुली हो रही है, कमर में गुदगुली हो रही है, गले में गुदगुली हो रही है, कोई उत्साह नहीं, भूख नहीं, जीने की इच्छा नहीं हो रही है, और कभी किसी को इचिंग हो जाएगा, खुजली होती है बॉडी में, या आँखों में ऐसे इचिंग हो जाता है, या फिर पैर में खुजली, नींद नहीं आना, ऐसे अलग अलग बॉडीली सिम्टम्स दिखाई देते हैं। यूजली जब चमड़ी जब ऐसी रफ दिखती है ना और डिप्रेशन है, तो मैं बोलता हूँ कि थायराइड के टेस्ट करो। बहुत सारे लोगों को एसोसिएटेड थायराइड की बीमारी रहती है, या उनको मिक्सिडिमा है करके सब ये लक्षण दिख रहे हैं। मतलब लगता है डिप्रेशन, मतलब एक्चुअली है मिक्सिडिमा। वैसे बहुत सारे पेशेंट मेरे पास में आते हैं कि इनको थायराइड सिक्रीशंस कम है, मिक्सिडिमा हुआ है, लगता है कि इनको डिप्रेशन है, मिक्सिडिमा की दवाई दे दो, थायराइड की एल्ट्रॉक्सिन की दवाई दे दो, और वो गोली दे दिया, इनका डिप्रेशन ठीक हो जाता है एकदम ड्रामेटिक रिलीफ। तो इस तरह का ये पेन और डिप्रेशन बहुत ही रिलेटेड है। बहुत सारे, मतलब करीब करीब सभी जो लोग मेरे पास में दर्द लेके आते हैं ना, उनको मैं एंटी डिप्रेशन देता हूँ, यदि बाकी कोई बीमारी नहीं है तो, और एंटी डिप्रेशन दिया अच्छे हो जाते हैं, क्योंकि उनको अंडरलाइन डिप्रेशन ही रहता है। मतलब ऐसा लगता है बाहर से कि सब दर्द हो रहा है, बॉडी में दर्द, आगे दर्द, पीछे दर्द, छाती में दर्द, पीठ में दर्द, कमर में दर्द, पूरा बदन में दर्द हो रहा है, सर दर्द कर रहा है, निगलने का तकलीफ है, मतलब ऐसे सब बॉडी सिम्टम्स हैं, एंटी डिप्रेशन दे तो अच्छे हो जाते हैं, क्योंकि करीब करीब सभी लोगों को दर्द होता है डिप्रेशन। तो आपको यदि ऐसा हो रहा है कि बहुत दर्द है, बाकी कुछ भी नहीं मिल रहा है, सब जांच पड़ताल करने के बाद में रिपोर्ट सब नील आ रहे हैं, एंटी डिप्रेशन ले लो, आपकी बीमारी ठीक हो जाएगी।
इसके साथ साथ आप प्रोफेशनल हेल्प ले सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ टॉकिंग थेरेपी, कि भाई इमोशंस जो घबराहट के आ रहे हैं, बेचैनी के आ रहे हैं, नर्वसनेस है, निराशा है, इसकी शुरुआत कहाँ हुई है, कौन से थॉट से हुई है, ओरिजिन क्या है, वो काटा निकालना पड़ेगा कहाँ से शुरुआत हो गई। क्योंकि क्या होता है, एक थॉट आता है अपने मन के खिलाफ, कुछ तो भी होता है, वो निराशावादी थॉट आता है, फिर इमोशंस निराशावादी होते हैं, फिर और कुछ तो भी थॉट एक के ऊपर स्टैकिंग होता है थॉट्स का, और आदमी डिप्रेस्ड हो जाता है। तो वो टॉकिंग थेरेपी में हम लोगों को बोलने लगाते हैं दिमाग में क्या चल रहा है, विचार एक्चुअली शुरुआत कहाँ से हुआ, फिर जो विचार आ रहे हैं उसमें कुछ फैक्ट है क्या, रियलिटी है क्या, वास्तव में विचार वैसे है क्या, वास्तववादी है क्या विचार, कि ऐसे ही मन के मन में विचार आ रहे हैं, एक्चुअली रियलिटी है क्या, ऐसे उनके साथ में चर्चा होती है। मेडिटेशन, हिप्नोथेरेपी ये उनको हम करवाते हैं, साइकोथेरेपी, काउंसिलिंग करवाते हैं, एंटी डिप्रेशन दवा देते हैं, और बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि सिर्फ एंटी डिप्रेशन दे देते हैं और अच्छे हो जाते हैं। दो दो साल लोग बीमारी से ग्रस्त है, बॉडी दर्द है, सब तरह डॉक्टर घूम लिए, एंटी डिप्रेशन दे दिया, अच्छे हो गए, ऐसे बहुत सारे पेशेंट्स हैं। तो डेफिनेटली एंटी डिप्रेशंस ये लोगों में वंडर ड्रग हो जाता है। वीडियो आपको अच्छा लगा तो लोगों को शेयर करो। थैंक यू वेरी मच।